नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, बॉलीवुड के कलाकारों का पॉलिटिक्स में जाना ये कोई नई बात नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, जयप्रदा, हेमा मालिनी, राज बब्बर, अभी उर्मिला मातोंडकर और अभी सनी देओल ने भी गुरदासपुर से भाजपा की सीट टिकट ली है। भाजपा की तरफ से वो वहां पे इलेक्शन में खड़े हुए हैं। हालांकि धर्मेंद्र ने इसके बारे में अफसोस जताया कि मुझे पहले पता होता कि उनके ऑपोजिट बलराम जाखड़ के बेटे हैं, खड़े हुए हैं, तो मैं सनी को गुरदासपुर नहीं भेजता, क्योंकि मुझे पता नहीं था। क्योंकि उन्होंने कहा कि बलराम जाखड़ के साथ मेरे बहुत सारे भाइयों जैसे संबंध है और वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में माहर लोग हैं, तो उनके सामने सनी थोड़े कमजोर है, ऐसा उन्होंने कहा। उनका एक वीडियो, उनका एक जो है इंटरव्यू उनके सामने आई। लेकिन इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ, हाल ही में गुरदासपुर में ही सनी देओल के बारे में एक खबर आई कि सनी देओल की गाड़ी की दुर्घटना होगी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। वो यूं के सनी की एसयूवी का जो अचानक से स्पीड पे जा रही थी इलेक्शन कैंपेन के लिए, रैली के लिए, तो उनका टायर फट गया और गाड़ी रुकी, तो एकदम से बाकी सारी गाड़ियों भी आपस में एक दूसरे से टकरा गई। लेकिन सनी देओल को वहाँ पे जो है खरोच भी नहीं और बहुत ही बाल बाल वो बच गए हैं। तो हम दुआ करते हैं कि सनी देओल इसी तरह से स्वस्थ रह के अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़े। हार या जीत तो किसी की भी हो सकती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो लेकिन वो जज्बा जरूरी है। तो इस उम्र में 62 साल की एज में सनी देओल जो है, पंजाब में सनी देओल की फैन फॉलोइंग तो बहुत है, तो सनी देओल क्या करते हैं, क्या करिश्मा दिखाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इस दुर्घटना से सनी देओल बाल बाल बच गए हैं। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताइएगा कि कलाकारों का फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के बाद में जो रिटायरमेंट की एज में पॉलिटिक्स में जाने का ये जो अंदाज है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.